हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू बॉबकॉम इंडिया। ये है हमारी स्कूल एडमिशन सीरीज, जहां हर फ्राइडे हम आपके लिए लाएंगे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो रिगार्डिंग स्कूल एडमिशंस। लास्ट वीक हमने पहला वीडियो पोस्ट किया था, थैंक यू फॉर द ग्रेट रिस्पॉन्स। उस वीडियो में हमने आपसे शेयर किया था कि स्कूल्स की एक लिस्ट आप कैसे बना सकते हैं, क्या कैटेगरीज आप उस लिस्ट में डालें जो आपको हेल्प करेगी टू शॉर्ट लिस्ट वो 5, 6 या 10 स्कूल जहाँ पर आप अप्लाई करना चाहते हैं। इस वीडियो में हम आपसे शेयर कर रहे हैं कि वो जो 10 स्कूल आपने शॉर्टलिस्ट किए हैं उनके बारे में आपको क्या जानकारी, क्या इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए जो आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस काफ़ी इजी बना सकता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बट एक क्विक रिकैप आपको दे देती हूँ। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके एरिया में से 14 स्कूल्स हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, उन 14 स्कूल्स में आप फर्स्ट लेवल कैटेगरीज क्या डालो और उसमें क्या इन्फॉर्मेशन लो जिससे आपका डिसीजन मेकिंग आसान हो जाए। जैसे हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया कि मुझे इन 14 स्कूल्स में ऐसा स्कूल चाहिए जहाँ पे CBSE और IB का ऑप्शन अवेलेबल हो, और दूसरा मुझे एक ऐसा स्कूल चाहिए जहाँ पे फी स्ट्रक्चर भी जो है नॉर्मल हो, बहुत ज़्यादा नहीं हो। तो उसके बेसिस पे जो आप वाइट में देख रहे हैं वो स्कूल्स मैंने शॉर्टलिस्ट किए जहाँ पे मैं अब एडमिशन करवाना चाहूँगी। अब इन कुछ स्कूल्स की मैंने क्या इन्फॉर्मेशन लेना शुरू किया वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसको हम बोलते हैं सेकेंड लेवल कैटेगरीज, जो हमारी डिसीजन मेकिंग को आसान बनाएगी। ये जो आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप कुछ सोर्सेज के थ्रू गैदर कर सकते हो। सबसे पहला सोर्स होता है कि आप डायरेक्टली स्कूल्स में कॉल करना शुरू करो। स्कूल्स के फ़ोन नंबर आपको गूगल पे मिल जाते हैं, आपको स्कूल की वेबसाइट पे मिल जाते हैं, आप स्कूल विजिट करके उनका फ़ोन नंबर ले सकते हो। तो स्कूल में आप कॉल कीजिए, वहाँ पर एडमिशन काउंसलर के लिए रिक्वेस्ट कीजिए, नॉर्मली एडमिशन काउंसलर का ही नंबर दिया होता है, और उनसे फिर आप 10-15 मिनट बात करके ये सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, वो काफ़ी अच्छे से समझाते हैं। दूसरा तरीका इस इन्फॉर्मेशन को गैदर करने का है स्कूल की वेबसाइट। स्कूल की वेबसाइट पे भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो नहीं होती है वो आप फिर कॉल करके गैदर कर सकते हो। और तीसरा तरीका होता है कि आप डायरेक्टली स्कूल चले जाओ, स्कूल में आपको एक कैंपस का टूर भी दे देते हैं और आप डायरेक्टली एडमिशन काउंसलर से जाके मिल सकते हो एडमिशन से रिलेटेड, तो वो ये सारी जानकारी आपको दे सकते हैं। तो इन सोर्सेज के थ्रू आपको काफ़ी कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है अबाउट ये कैटेगरीज जो आपके बच्चे का फ्यूचर डिसाइड करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब समझते हैं हर कैटेगरी और उसमें एग्जांपल्स। तो सबसे पहले कैटेगरी जो मुझे देखना है वो है एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ रहते हो या कौन सा स्कूल है वहाँ पे डिफर कर सकता है। एक स्टैंडर्ड एज क्राइटेरिया नहीं है अर्ली ईयर्स के एडमिशन के लिए। तो जैसे मैं कबीर के लिए 2020 में अगर एडमिशन कराना चाहती हूँ नर्सरी में, तो जब मैंने पता करना शुरू किया तो मुझे पता चला कुछ स्कूल्स एडमिशन लेते हैं 31 मार्च 2020 में अगर बच्चे की एज 3+ है तो वो नर्सरी के लिए क्वालिफाई करता है। बट कुछ स्कूल्स हैं जो कहते हैं कि नहीं, 31 मार्च 2020 में अगर बच्चे की एज 3.5+ है तो वो नर्सरी के लिए क्वालिफाई करता है। अब क्योंकि कबीर 22 फरवरी 2020 को 3 ईयर्स का होगा, तो जहाँ पे 3+ नर्सरी है वहाँ तो वो क्वालिफाई करता है, बट जहाँ 3.5 है वहाँ वो क्वालिफाई नहीं करता है, तो वो स्कूल ऑटोमेटिकली मेरी लिस्ट से आउट हो जाते हैं। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि वाइल मैक्सिमम स्कूल्स नर्सरी टू 12th का मॉडल फॉलो करते हैं, कुछ ऐसे स्कूल्स भी हैं जो प्री नर्सरी टू 12th फॉलो करते हैं, और प्री नर्सरी में वो फिर 3 साल से छोटे बच्चों को भी ले लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन 2.5 से ऊपर या 2 साल से ऊपर, हर स्कूल का अलग होता है। तो काफ़ी लोगों का पिछले वीडियो में क्वेश्चन आया था कि कबीर की अभी 2.5 साल एज है और आप बोल रहे हो कि वो अगले हफ्ते स्कूल स्टार्ट कर रहा है, तो वो अभी कहाँ स्टार्ट कर रहा है, क्या आप उसे नर्सरी में डाल रहे हो? तो नहीं, अभी हमने उसका एडमिशन प्री नर्सरी में कराया है क्योंकि इस एज के अकॉर्डिंगली अभी वो प्री नर्सरी के लिए क्वालिफाई करता है, एंड नेक्स्ट ईयर जो एकेडमिक सेशन स्टार्ट होगा तो वो ऑटोमेटिकली नर्सरी में मूव हो जाएगा। एज क्राइटेरिया के बेस पर डिसीजन लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन है बिकॉज इससे बच्चे की पूरी एजुकेशन में 1 साल का फ़र्क पड़ सकता है। अब हो सकता है, मान लीजिए एक बहुत अच्छा स्कूल है जो 3.5 साल पे एडमिशन ले रहा है, बट मेरा बेटा 3 साल का है, अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसी स्कूल में उसको डालूँ, तो मुझे पूरा 1 साल वेट करना पड़ेगा ताकि मैं इसमें अप्लाई कर सकूँ और उसको यहाँ पर डाल सकूँ, नहीं तो मुझे स्कूल को गिव अप करना पड़ेगा और मैं दूसरा स्कूल जहाँ पर 3+ वो ले रहे हैं वहाँ पर उसको डालूँगी ताकि उसका पूरा 1 साल वेस्ट नहीं हो। इसीलिए एज क्राइटेरिया को समझना बहुत जरूरी होता है। अगली कैटेगरी है टीचर स्टूडेंट रेशियो, यानी एक टीचर कितने बच्चों को एक क्लास में देखती है, स्पेशली जो ये अर्ली ईयर है, नर्सरी प्री नर्सरी, मैं वहां की बात कर रही हूं। तो टिपिकली देखा जाता है कि जो अर्ली ईयर्स होते हैं वहाँ टीचर स्टूडेंट रेशियो कम होता है, यानी एक टीचर
5 बच्चों को देख रही है, एक टीचर 7 बच्चों को देख रही है, एक टीचर 12 बच्चों को देख रही है, और कुछ ऐसे स्कूल्स होते हैं जहाँ पे ये रेशियो बढ़ जाता है, यानी एक टीचर 20-20 बच्चों को देख रही है। तो इसको भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज पेरेंट्स। मुझे ऐसा लगता है कि देखो, जब बच्चे स्कूल स्टार्ट करते हैं तो उनके लिए पूरा एनवायरनमेंट बहुत नया होता है, उनके लिए इस एनवायरनमेंट में इंटीग्रेट करना आसान नहीं होता। तो अगर इनिशियल ईयर्स में टीचर स्टूडेंट रेशियो कम है, तो इसका मतलब टीचर्स जो हैं वो कम बच्चों को देख रहे हैं, तो मतलब उनका अटेंशन जो है वो बढ़ सकता है, उनका जो ध्यान है बच्चों पे वो ज़्यादा होगा, जिससे बच्चे को काफ़ी मदद मिल सकती है, बेनिफिट मिल सकता है। ऑल्दो इसका कोई प्रूवन वो नहीं है, हो सकता है कि बड़े टीचर स्टूडेंट रेशियो में भी काफ़ी बच्चे और काफ़ी टीचर्स जो हैं वो अच्छे रिजल्ट्स दे पाएँ, बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली एज अ पेरेंट कि मैं चाहूँगी कि जिस स्कूल में मैं कबीर को डालूँ वहाँ पर टीचर स्टूडेंट रेशियो शुरू के टाइम में कम हो, ताकि उसे ज़्यादा अटेंशन मिल सके। तीसरी कैटेगरी है टाइमिंग। टाइमिंग पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी स्कूल्स होते हैं वो नर्सरी में ही बहुत ज़्यादा टाइमिंग रखते हैं, तो आपको एज पेरेंट डिसीजन लेना है कि क्या आपको इतने छोटे बच्चे को इतने लंबे आवर्स के लिए एक्चुअली भेजना है, क्या आपका बच्चा इतने लंबे आवर्स हैंडल भी कर पाएगा या नहीं, क्या वो अभी तक कहीं प्ले स्कूल या कहीं पर जा रहा था जिससे उसको इस पर्टिकुलर रूटीन की या एक पर्टिकुलर स्केड्यूल की आदत है, तो उसके बेसिस पे आप टाइमिंग ज़रूर पता करो और उसके बाद एक इन्फॉर्म डिसीजन लो। अगली कैटेगरी है सिक्योरिटी। हम सब जानते हैं कि सिक्योरिटी की कितनी इंपॉर्टेंस है, तो अच्छा होगा अगर आप खुल के डिस्कशन करो कि स्कूल सिक्योरिटी कैसे मैनेज करता है। जब आप स्कूल का टूर करो तो भी आपको पता चलेगा कि स्कूल का सिक्योरिटी प्रोसेस क्या है। काफ़ी स्कूल्स होते हैं जहाँ पे बिना कोई एंट्री कराए आपको अंदर जाने देते हैं, तो दैट कैन बी अ साइन ऑफ अ लूज सिक्योरिटी प्रोसेस वर्सेस स्कूल जहाँ पे एक प्रॉपर एंट्री का प्रोसेस है, इवन पेरेंट्स के लिए या नॉन पेरेंट्स के लिए कोई वॉक इन कर रहा है तो भी उनको किस तरह के फॉर्म करना है, क्या इंफॉर्मेशन देनी है, अंदर जाके क्या स्कूल में सीसीटीवी कैमरास है या नहीं। कुछ स्कूल्स काफ़ी आगे तक पहुंच गए हैं और वो RFID ट्रैकिंग तक करते हैं, जिससे बच्चों की ट्रैकिंग हो सकती है। स्कूल बसेस में भी GPS ट्रैकर्स लगे होते हैं, तो ये सारी बातें भी आपको एडमिशन काउंसलर से पता चल जाएंगी। आप स्कूल के बारे में जो लास्ट न्यूज़ वगैरह है वो गूगल पे ज़रूर रीड करो, आपको पता चलेगा कि अगर कोई इंसिडेंट्स वगैरह वहाँ हुए हैं तो आपको आसानी से उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सिक्योरिटी के बारे में खुल के डिस्कशन ज़रूर करो। अगली कैटेगरी है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। स्कूलिंग एक बहुत लंबी जर्नी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्लियर हो कि क्या ट्रांसपोर्ट स्कूल दे रहा है या नहीं। अगर स्कूल नहीं दे रहा है तो क्या एज अ कपल, डिपेंडिंग ऑन आपका क्या स्केड्यूल रहता है, क्या आप ये ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट कर पाओगे, इसके बेस पे भी आप एक स्कूल कौन सा लेना है वो आप डिसीजन कर सकते हो। अगली कैटेगरी है सिलेक्शन प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पता होना कि आपके बच्चे का एक aspired स्कूल में एडमिशन होगा कैसे, ताकि आप उसके लिए तैयारी कर सको। आपको ये भी समझ आए कि इस लेवल की तैयारी आप कर भी पाओगे या नहीं, तो इस साल आपको अपने बच्चे के लिए यहाँ अप्लाई करना भी है या नहीं। काफ़ी स्कूल्स जो हैं वो लॉटरी सिस्टम फॉलो करते हैं, सिंपल लॉटरी सिस्टम जहाँ पे लक बेस्ड लॉटरी होती है। काफ़ी स्कूल सिर्फ फॉर्म के बेस पे एडमिशन देते हैं। काफ़ी स्कूल्स हैं जो इंटरव्यू लेते हैं। अब ये इंटरव्यू कई बार सिर्फ पेरेंट्स का इंटरव्यू होता है, बिकॉज स्कूल्स ऐसा बिलीव करते हैं कि बच्चे बहुत छोटे हैं, तो हो सकता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे उनका मूड ना करा हो टू शो यू नो व्हाट द स्कूल रियली वांट्स टू सी। और काफ़ी ऐसे स्कूल्स हैं जो बिलीव करते हैं कि नहीं, पेरेंट इंटरेक्शन तो करना ही है, साथ में बच्चे के साथ भी इंटरेक्शन करना है, बच्चे को भी थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करना है, जिसमें वो काफ़ी तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। मैं आगे आने वाले वीडियोस में इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स भी शेयर करूंगी, बट सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में क्लियर हो ताकि आपको पता चले कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी है। अगली इंपॉर्टेंट कैटेगरी है एडमिशन स्टार्ट डेट। तो एडमिशन प्रोसेस जनरली स्टार्ट होता है एडमिशन फॉर्म के साथ, जो जनरली आपको वेबसाइट्स पे या स्कूल में जाके मिल जाता है। ये फॉर्म कब निकलने वाला है, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी अच्छे स्कूल जो होते हैं वो एक बहुत छोटी विंडो रखते हैं, 1 हफ्ते की विंडो, 4 दिन की विंडो, जिसमें आप फटाफट फॉर्म भर के दे दो एंड वो विंडो को क्लोज कर देते हैं। तो कॉन्स्टेंटली स्कूल्स के साथ फॉलो अप करना, उनकी वेबसाइट्स को जाके रीड करना, जो जिन लोगों के बच्चे स्कूल में जा रहे हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट रखना, जिससे आपको ये पता चले कि इस स्कूल का जो एडमिशन प्रोसेस है ये स्टार्ट कब होने वाला है, ताकि यू डोंट मिस द बस। और लास्ट एक कैटेगरी जो अच्छा है डिस्कस करना, ताकि आपको पहले ही पता चल सके और आप इसके लिए प्रिपेयर कर सके, वो है कोई चाइल्ड स्पेसिफिक थिंग्स दैट द स्कूल रिक्वायर्ड। काफ़ी सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो ये बिलीव करते हैं कि नर्सरी के बच्चों को डाइपर ट्रेंड होना ज़रूरी है, आप डायपर में बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते। तो मान लीजिए कि आपके बच्चे ने अगले सेशन में यानी अप्रैल में स्कूल स्टार्ट करना है, और अभी
अगस्त सितंबर के टाइम में आप एडमिशन्स वगैरह करवा रहे हो, तो आपके पास अच्छा खासा 6 महीने का टाइम है टू क्लियरली अंडरस्टैंड दैट आपको अपने बच्चे को डाइपर ट्रेन करके ही वहाँ पे भेजना है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि कल को आप सरप्राइज ना हो जाओ कि आपने इतने पैसे भर दिए, आपने इतने मेहनत करके अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया और फिर आपको पता चला कि ओ डाइपर ट्रेनिंग वॉज अ रिक्वायरमेंट एंड योर चाइल्ड इज नॉट डाइपर ट्रेन. तो कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं होना चाहिए. इसीलिए इस लेवल की शीट मेंटेन करना जहाँ पे आपके पास पूरी ए टू जी इन्फॉर्मेशन है अबाउट द स्कूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपके पास टोटल क्लैरिटी हो कि जहाँ आप अप्लाई करना चाहते हो वहाँ पे आस्क क्या है. तो बस इस लेवल ऑफ डिटेल के साथ हमने लिया अपना नेक्स्ट स्टेप इनटू एडमिशंस. हमने ये डिसाइड किया कि कौन से स्कूल्स हैं जहाँ पे हम अब कबीर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं बेसिस द एज क्राइटेरिया, बेसिस द अदर फैक्टर्स, और वहाँ पे हमने अप्लाई किया. अप्लाई कैसे किया, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्वेश्चंस पूछे गए, क्या प्रोसेस था, वो सारी डिटेल्स आपको आने वाले दिनों में मिलेंगी. मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर फ्राइडे 2 बजे जब हम स्कूल एडमिशन से रिलेटेड वीडियो पोस्ट करें तो वो आपको मिले अलॉन्ग विद मेनी अदर वीडियोज that we post on MomCom. आपकी कोई queries हो regarding this list तो आप definitely comment section में पूछें, और आपकी जो queries हैं regarding कौन सा board अच्छा है and different other aspects about admissions तो उसके लिए थोड़ा patience रखें. आने वाले times में इस series में आपको आपके काफ़ी answers मिल जाएंगे. I hope you like this video. अगर पसंद आया तो like ज़रूर करना, share करना और channel को subscribe ज़रूर करना. हमारे social media handles पे हमें definitely follow करना. Instagram, Facebook IDs नीचे दिए गए हैं. Thank you so much for loving and for watching MomCom India.